हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू व्लॉग्स। तो आज का व्लॉग्स जो है बहुत ही मज़ेदार है। आज मैं अपने व्लॉग्स में डे 3 और डे 4 को कंप्लीट दिखाने वाली हूँ। इसके प्रीवियस वाले ब्लॉग में मैंने ट्रेवल गाइड किया था कोची टू मालदीव्स, और उसके बाद वाले व्लॉग्स में मैंने कम्प्लीट वाटरवीरा का टूर कराया जहाँ मैं स्टे कर रही हूँ, विजिट कर रही हूँ। तो इधर जो है, जैसा कि मैंने डे 2 में आपको बताया था कि वाटर विला पहुंचने में हमारी शाम हो गई थी माले से, और शाम काफ़ी हो जाने के कारण जो है शाम से ही थोड़ा बहुत जो भी है हमारी मस्ती शुरू हुई, हमने टाइम स्पेंड किया यहाँ का। तो इस व्लॉग में आप जो है कंप्लीट विजिट कर पाएंगे कि यहाँ पे क्यों आते हैं लोग, क्या यहाँ का स्पेशल पर्पस है, क्या यहाँ की जो स्पेशलिटी है। तो हम आ गए हैं अदारन क्लब रनाली में। तो इवनिंग का समय हो चुका है और आई थिंक 7 to 9 PM के बीच में डिनर का टाइम होता है इनका। और बता दूँ कि विला में जो है हमें मॉर्निंग ब्रेकफास्ट का फैसिलिटी है, वहाँ फूड सर्विस हो जाती है, बट लंच और डिनर के लिए हमें इधर आना पड़ता है। तो सेम एज उस दिन हमें डिनर के लिए यहाँ आना पड़ा, और चूंकि मैं काफ़ी भूखी थी और फ्लाइट से आफ्टरनून उतरने के बाद मैंने कुछ भी नहीं खाया था, जो भी थे हमारे पास मैंने वही खाया। तो डिनर में मैंने देखा काफ़ी सारे आइटम्स थे, बिल्कुल इतना तो मैं खा भी नहीं सकती थी, बट इतना अच्छा फूड काउंटर मैंने देखा, सचमुच दिल को लुभा गया बिल्कुल। और जितना जो मनपसंद है वो आप यहाँ खा सकते हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको इधर मिल ना सके, हर एक चीज़ अवेलेबल यहाँ पे था। और स्पेशल यहाँ का जो कह सकते हैं जो फूड है यहाँ, जो स्पेशल यहाँ का है वो भी यहाँ अवेलेबल था। तो मैंने अपने अकॉर्डिंग जो है थाली सजा ली, मुझे जो जो चाहिए थी, और सचमुच भूख के सामने मैंने कोई रेसिपी उतनी नोटिस भी नहीं की, बट हाँ मैंने वीडियो लिया जिसमें कि देखा, मैंने बाद में मैंने गौर किया रेसिपी काफ़ी अच्छी बनी हुई थी, जितने भी काउंटर में थे सारे अच्छे अच्छे डिशेस बिल्कुल अवेलेबल थे। तो इधर तो काफ़ी भीड़ लगी थी और काफ़ी फॉरेनर भी मुझे यहाँ देखने मिले। और जैसे ही डिनर हमारी फिनिश हुई हम लोग इधर आ गए जहाँ पे एक मतलब म्यूज़िक शो हो रहा था, और ये हमेशा एट नाइट में होते ही है वहाँ पे। तो वहाँ पे हम लोगों ने आके थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक्स पिया और कुछ टाइम स्पेंड किया, और उसके बाद हम लोग यहाँ आ गए। बहुत सारे सोप्स वगैरह थे जहाँ पे आपको यहाँ के जो स्पेशल हैं टॉयज वगैरह कर सकते हैं, और ये फिशेस की वैरायटी जो सी में अवेलेबल होती है, और की चैन कह सकते हैं, सारे कुछ थे, बहुत ही अच्छे बने हुए लगे हुए थे और काफ़ी हाईली प्राइस थे, ये तो मैं बता दूँ काफ़ी ज़्यादा। तो हम लोगों ने ज़्यादा कुछ तो नहीं लिया, बस एक की चैन लिया स्पेशल यहाँ का, और फिर हम लोग डायरेक्ट आ गए रूम में। चूँकि काफ़ी रात हो गई थी और थकी हुई बहुत ज़्यादा थी मैं, तो ये जो व्यू था रूम के इनसाइड में जो स्क्वायर बॉक्स और इधर से वाटर, काफ़ी प्यारा लग रहा था। यहाँ पे जो फिशेस मतलब स्पेशली ब्लू फिश, ऑरेंज और ग्लास फिशेस वगैरह काफ़ी क्लियर दिख रहे थे रात में। अगर कोई स्नॉर्कलिंग एट नाइट करे तो वो सचमुच इन्हें रूबरू सामने से हो सकता है। तो हमने कुछ टाइम यहाँ स्पेंड किया, काफ़ी अच्छा लग रहा था हमें यहाँ पे। और इसकी भी शैतानी थोड़ी और यहाँ हर्षु की थोड़ी सी शैतानी जारी है, और फिर इसे थोड़ी भूख भी लग जाती है क्योंकि इसने डिनर में उतना कुछ खाया नहीं था, और फिर मॉर्निंग में हमारा ब्रेकफास्ट आ गया जैसा मैंने बताया था। तो विला में एक फैसिलिटी है कि मॉर्निंग में आपको जो है ब्रेकफास्ट वगैरह आपको सारे अवेलेबल हो जाते हैं, और लंच और डिनर के लिए आपको वहाँ जाना होता है। तो ये मैं मॉर्निंग फटाफट रेडी हो गई हूँ, और सुबह भी जैसा कि ब्रेकफास्ट आ चुका था हमारा 7:30 में, तो मैं रेडी हो गई और हम लोग डायरेक्ट ब्रेकफास्ट के लिए जल्दी जल्दी रेडी हो गए, क्योंकि हमें इधर फोटोज़ वगैरह भी शूट करने थे और कंप्लीट कहते हैं ना विला का टूर भी करना था कहाँ क्या है। तो ब्रेकफास्ट में हमारा इधर सारे कुछ अवेलेबल है, जो भी देख सकते हैं आप, ऑरेंज वाटरमेलन एंड पाइनएप्पल इधर, और साथ में दो चॉकलेट हर्षे ने रखा है, तीन जूसेस बस इधर, चाय बन के रेडी। पानी हीट हो चुकी है कंप्लीट,
तो सुबह की शुरुआत तो वैसे होती है चाय से, बट इधर मैंने कॉफी बना लिया थोड़ा सा, और चूंकि कॉफी काफी अच्छा लगता है मुझे, चाय से बेटर कहा जाए तो मुझे कॉफी बहुत पसंद है। तो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट हम लोग जल्दी जल्दी किए हैं, और उसके बाद हमें कंप्लीट विजिट भी करना था, जितना जो भी यहाँ पे घूमना है हमें। तो इधर हमारा ब्रेकफास्ट हो गया और हम लोग आ गए यहाँ पे बीचेस के साइड में। तो साइड में वाटर लेवल ज़्यादा था भी नहीं, तो लोग स्नॉर्कलिंग के लिए एटलीस्ट जो ब्लू वाटर की लाइन्स है वहाँ तक जाते हैं, क्योंकि वहाँ से हमें अच्छा व्यू मिलता है देखने, कोराल वगैरह फिशेस काफ़ी अच्छे दिखते हैं। तो इधर तो हम लोग आ गए और सचमुच पानी देखकर काफ़ी अच्छा लग रहा था, ऐसा मैंने कहीं भी नहीं देखा था। और ये जो कलर कॉम्बिनेशन है सचमुच सच अ ब्यूटीफुल एंड नाइस व्यू हर ओर। तो ब्लू वाटर और ब्लू स्काई का जो कॉम्बिनेशन है, एक मैशअप है, इतना प्यारा लग रहा था सचमुच। ये व्यू के लिए स्पेशल लोग आते हैं यहाँ स्विमिंग और स्नॉर्कलिंग डाइविंग वगैरह। तो जो वाटर की जो क्लियरिटी है वो इतनी अच्छी है कि स्पेशल जो है मालदीव कहा जाए तो इसलिए फेमस है। तो मैं भी यहाँ पे स्नॉर्कलिंग की, मुझे स्टार्टिंग में थोड़ा डर लग रहा था क्योंकि इससे पहले मैंने आज तक कभी स्विमिंग तक भी नहीं की है, और थोड़ा डर लग रहा था, बट इसके बावजूद मैंने कोशिश की थोड़ी, और तो एक अच्छा एक्सपीरियंस भी मुझे मिला। और इधर मैंने ज़्यादा कह सकते हैं ग्लास फिशेस, क्योंकि मैं ज़्यादा आगे तक नहीं गई थी, तो मैंने ग्लास फिशेस और स्टिंगरे और भी जितनी फिशेस वगैरह होती हैं वो मैंने इधर देखा और वीडियो वगैरह बनाया। तो ड्यूरिंग स्नॉर्कलिंग मैंने जितने सारे फिशेस वगैरह देखे वो मैं आपको एक वीडियो में और दिखाऊंगी, नेक्स्ट जो वीडियो मैं अपलोड करूंगी। तो आफ्टरनून हो चुका था और हम लोग वापस आ गए थे लंच के लिए, और लंच में इधर काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें थी, मैं क्या आपको बताऊं। रात के समय तो मैंने अच्छे से वीडियोज़ नहीं लिया, बट आफ्टरनून में मैंने काफ़ी अच्छे से रेसिपीज़ वगैरह लिया है, और काउंटर इतने बेस्ट मुझे लगे बिल्कुल सारे काउंटर। और आपको जितनी यहाँ की सी फूड है कह सकते हैं, फिशेस वगैरह और भी जो भी है, तो वो आपको डायरेक्ट इधर अवेलेबल हो जाता है। और इधर ये लोग बैठे हैं बेबी, और मैं इधर सारे पहले काउंटर की सारे ले रही हूँ फोटोज़ वीडियोज़ वगैरह, क्योंकि मौका जब मिला है तो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। और इधर सारे सॉसेस की वेराइटी, इधर स्वीट्स वगैरह टोटल, तो काफ़ी अच्छा था यहाँ का जो है फूड काउंटर, प्लस फूड और सारे कुछ अवेलेबल। और ये फैन स्पेशल जो लगी थी फ्लाई वगैरह हटाने के लिए, तो स्विच तो इतने सारे अवेलेबल थे, बट मैंने बिल्कुल भी टेस्ट नहीं किया क्योंकि थोड़ा कहते हैं मन भी भरा था और पेट भी भरा था, पता नहीं कैसे घूमने से इतना ज़्यादा पेट भर गया कि भूख उस समय ज़्यादा लगी भी नहीं थी मुझे। तो लंच वगैरह करने के बाद जो है हमने थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया पार्क में, जो विला है उसके बाहर में एक बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा पार्क एरिया बना हुआ था, जहाँ पे सारे झूले वगैरह अवेलेबल थे बच्चों के लिए। तो बच्चों को तो सबसे ज़्यादा ये पसंद आता है अगर पार्क मिल जाए और सारे झूले वगैरह जो भी हैं, तो उसने भी यहाँ टाइम स्पेंड किया थोड़ी, मैंने भी यहाँ मस्ती कर ली। तो वो वैसे तो ये बच्चों के लिए था, बट बच्चों के साथ बच्चे बनने का भी एक अच्छा मज़ा है। तो इधर मैंने पूरा ही दिन कहा जाए तो आज का डे 3 जो है कंप्लीट हमारा बीत गया, और भी मस्ती करने से टाइम किस तरह बीत जाता है पता भी नहीं चलता है। और काफ़ी अच्छे अच्छे हमने फ़ोटोज़ लिए, काफ़ी अच्छे अच्छे हम लोग वीडियोज़ वगैरह बनाए। तो आज का डे हमारा ऐसे ही इधर ख़त्म हो जाता है पूरे घूमने के बाद, और नेक्स्ट जो है मॉर्निंग हम लोगों ने बीच हाउस जो है बुक किया था, तो बीच हाउस का भी एक काफ़ी अच्छा मज़ा है। तो ये मैं आपको बीच हाउस का एक छोटा सा रूम टूर कराऊंगी। तो काफ़ी अच्छा यहाँ का भी मुझे बीचेस हाउस लगा, अगर देखा जाए यहाँ की फैसिलिटीज़ वगैरह तो बिल्कुल हूबहू वैसी ही थी। अगर थोड़ी कंपैरिजन की जाए तो कह सकते हैं 70-80% आपको बीच हाउस में भी अच्छे सारे फैसिलिटीज़ मिले हैं विला के जैसे। और यहाँ पे भी अपना जो अवेलेबल होता है जितने सारे होटल्स में जो देते हैं, बाथरूम में जितने सारे हमें लगते हैं इक्विपमेंट वो, और यहाँ जो फैसिलिटीज़ वगैरह है सेम एज़ वैसे ही है। विला की एक खासियत है कि वो जो है आप आउटसाइड कर सकते हैं, सी का व्यू ले पाओगे, और बीच हाउस का एक खासियत है कि आप यहाँ से साइड से बीचेस वगैरह देख पाओगे, और आपको वहाँ से कंप्लीट विला अच्छा से व्यू होगा आपको वहाँ से। तो इधर वाटर वगैरह सारा कुछ, कॉफ़ी वगैरह सेम चीज़ सारा अवेलेबल था, थोड़ा सा कह सकते हैं अंतर था जो भी है। और ये इधर फूड मेन्यू रखा है,
तो जैसा कि हम लोग मॉर्निंग आए हैं, तो एक और मैं आपको प्लस पॉइंट बता दूं कि विला में मॉर्निंग ब्रेकफास्ट अवेलेबल है, बट बीचेस हाउस में आपको मॉर्निंग ब्रेकफास्ट अवेलेबल नहीं है, तो आपको उधर जाकर करना होता है। तो ये देखिए विला कैसा जो है व्यू है, काफ़ी अच्छा है। तो हमने अपना मॉर्निंग ब्रेकफास्ट किया और फिर हम लोग निकल गए बीचेस के साइड में। तो थोड़ी बीचेस आए हैं, तो स्पेशल यहाँ की यही है बीचेस में खूब मस्ती करना पानी में जो भी है। तो सेम एज़ उस दिन भी हम लोगों ने बहुत सारी मस्ती की, स्विमिंग किया, स्नॉर्कलिंग किया और यही सब कुछ। व्यू जो था काफ़ी अच्छा लगा हमें देखकर, क्योंकि टाइम जो है काफ़ी प्रेशियस होता है और उसे यूं ही व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। तो आए हैं तो इन्जॉय तो कम्प्लीट होनी ही चाहिए। यहाँ थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया और जैसा कि सारे ओर सैंड ही सैंड है, तो हर्षू भी लग गई थोड़े कैस्टल वगैरह बनाने में। तो बीचेस हाउस की एक अच्छी सी कह सकते हैं प्लस पॉइंट ये है कि आपको साइड से ये व्यू देखने मिलेगा और ये व्यू काफ़ी अच्छा होता है। तो हमें ये बिल्कुल पास से देखने मिला और ये एक मैंने देखा मिट्टी का जो है पात्र जैसा कुछ भी, उसमें पानी था। तो इससे क्या, आप बाहर से आते हैं तो आप इसमें पैर धो सकते हैं, सैंड वगैरह सारे रह जाते हैं और काफ़ी ठंडा ये लगता है, कहते हैं बहुत ही रिलैक्सेशन। तो फिर हम तो आफ्टरनून तो वैसे हो चुकी थी और हम लोगों ने वापस कह सकते हैं लंच वगैरह किया और वापस रेडी हो गए, क्योंकि हमारी थोड़ी बहुत फ़ोटो शूट बाकी थी। और स्पेशल व्यू कहा जाए तो जो विला के आगे जो फ़ोटो शूट होता है वही स्पेशल होता है सब लोग का। तो बीचेस हाउस से पास पड़ता है चूँकि, तो हम लोग को ये एक प्लस पॉइंट मिल गया हमें। तो दोनों ही चीज़ का अपना अपना मज़ा है। अगर आप कह सकते हैं मालदीव ट्रिप्स की प्लानिंग कर रहे हैं तो विला के साथ साथ बीचेस हाउस का भी इंजॉय ले कम। हमारा लास्ट डे था, तो हम लोगों ने शाम का समय भी बीचेस में बिताना अच्छा समझा और शाम में काफ़ी अच्छा पानी ठंडा था, तो थोड़ा वहाँ भी हमारी ये स्नॉर्कलिंग और हो गई, अच्छा लगा हमें। क्योंकि ये जो मज़ा है ना, दोबारा कब आएगा ये कोई कह नहीं सकते हैं। तो हर एक मोमेंट को कंप्लीट इंजॉय करना बनता है। और अगर आपके पास कह सकते हैं, अगर आपको भगवान ने दिया है इतनी खुशी, तो खुल के इंजॉय कीजिए आप भी। और तो जैसा कि ये हमारा लास्ट डे था, तो लास्ट डे भी हमने बहुत ही अच्छे से एंजॉय किया। समय कम था बट समय को अच्छे से यूटिलाइज करते हुए हमने फुल डे एंजॉय किया। और नेक्स्ट डे हमारा बैकअप था, तो हमें उसकी भी प्रिपरेशन करनी थी और जल्दी ही बैक होना था हमें। तो आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा, आप इसे रिव्यू जरूर दें और मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में बैकअप वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच मेरे वीडियो में इतने देर बने रहने के लिए और इतना प्यार देने के लिए।